एक अच्छा बेटा वो है जो अपनी सेवा से, अपनी खिदमत से अपने माँ बाप को प्रसन्न कर दे, यानी राजी कर दे। क्या कर दे? राजी कर दे। कहते हैं बड़ा सआदतमंद बेटा है, बुढ़ापे का सहारा। ऐसे ही एक अच्छा शागिर्द, एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो अपने उस्ताद की, अपने अध्यापक की बात मान मान कर उनका दिल जीत के उनको राजी कर ले। एक अच्छा मुरीद भी वही कहलाता है जो अपनी मोहब्बत से, अपनी चाहत से, अपने ताल्लुक से, बल्कि अपनी खिदमत से अपने पीर को राजी कर ले। कहते हैं बड़ा ये मुरीद नहीं, ये अपने पीर की मुराद बन गया। ऐसे ही अच्छा बंदा वो है जो अपनी इबादत के जरिए, अपने नवाफिल के जरिए, तकर्रुब के जरिए अपने रब को, अपने पालनहार को राजी कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोशिश सब करते हैं, राजी कुछ ही लोग कर पाते हैं। वादा सब करके आए हैं, पूरा कुछ ही लोग करते हैं। एक मकाम पर रब ताला ने फरमाया, मिन अल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैह, कि मोमिनीन में, मुसलमानों में कुछ मर्द, सब नहीं, कुछ मर्द ऐसे हैं जो पूरा कर देते हैं उस वादे को जो वो करके आए हैं, और वो वही लोग हैं जो अपने मौला को राजी करते हैं। और वो इसलिए जरूरी कि अगर तुम अपनी सेवा से अपने माँ बाप को राजी कर लो, अपने लगन से अपने उस्ताद को राजी कर लो, अपनी खिदमत से पीर को राजी कर लो, लेकिन खुदा को राजी नहीं कर सके तो कोई फायदा नहीं। और वो इसलिए क्योंकि अल्लाह की रजा सबसे महान, सबसे अजीम है, सबसे लाजवाब है, सबसे बेमिसाल है। अच्छा एक बात बताइए, अब क्योंकि मैं जैसा महसूस कर रहा हूँ आप लोगों को, अब थोड़ा मैं बोलूं, थोड़ा आप बोले तभी गाड़ी चलेगी। ये बताइए पूरे मजमे में कोई है ऐसा जो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आया हो? हाँ, अपनी इच्छा से आए हो इस दुनिया में? बोलिए जोर से, अपनी इच्छा से जाओगे, अपनी मर्जी से? तो हमारा आना हमारी मर्जी से नहीं, हमारा जाना हमारी मर्जी से नहीं, तो फिर हमारा जीना हमारी मर्जी से कैसे हो सकता है? बेशक, बहुत खूब। इसको अगर समझ गए तो हजरत सरकार जमाल शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो कैफियत जज्ब थी और जो मंजिले सुलूक थी उसका कुछ राज मालूम हो जाएगा। हम आए हैं अल्लाह की मर्जी से। किसकी मर्जी से? जोर से बोलो, अल्लाह की। जाएंगे भी इंशाल्लाह तो अल्लाह की मर्जी से, तो हमारी कामयाबी इसी में है कि हम जिए भी तो अल्लाह की मर्जी से। आप खुद गौर करें, हमारी आंख हमारी मर्जी से नहीं बनी, मुंह हमारी मर्जी से नहीं बना, हाथ का नाक गला कुछ भी हमारी मर्जी से नहीं बना, और चाहते हैं कि जीवन हमारी मर्जी से चले। ये कैसी है मोहब्बत? तो इसीलिए सुनो, जो रब की मर्जी से हटकर अपनी मर्जी से जीते हैं वो बंदे बंदे रह जाते हैं, और जब अपनी मर्जी छोड़कर मौला की मर्जी पे जीता है, अगर वो बंदा हो तो बंदा नवाज हो जाता है, गरीब हो तो गरीब नवाज हो जाता है। अगर वो तौसा के तख्त पे बैठ गए तो तौसा का तख्त भी तख्ते सुलेमान। नारायण नारे रिसालत शहजादाए हुजूर गाजी मिल्लत। बात समझ में आई? बीच बीच में मुझे वो डोज देनी पड़ती ताकि आप जागे, वरना मैं यहां आना नहीं चाह रहा था। अभी अभी फिर वही जहन को ले जाए कि मैं हम अपनी मर्जी से नहीं आए, सब कुछ अल्लाह की मर्जी से।
ये मर्जी भी बड़ी अजीब चीज है। एक साहब ने सोचा कि मैं नूरानी मियां को राजी करूं, बात राजी की चल रही, हालांकि मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है कि मुझे राजी किया जाए, कोई कोई खूबी ही नहीं है, किसी किस्म की कुछ नहीं है। ये आपका हुस्ने जन है कि आप अपने पलकों पे बिठा लेते हो मोहब्बत से। हाँ बस एक क्वालिटी है और उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं है, वो उसमें वो मेरी वजह से नहीं है, और वो ये है कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओगे, इसके अलावा और कोई क्वालिटी नहीं। अब अगर कोई साहब मुझे राजी करने के लिए कोशिश में हो और सोचे ऐसा करते हैं, दावत देते हैं, खाना बनाते हैं और ऐसा खाना खिला दे कि नूरानी मियां खुश हो जाए, राजी हो जाए, क्या हो जाए। अब मैं उसके घर पहुंचा तो दस्तरखान हजरत आए ऐसा लगाया कि चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, इटालियन भी है, टर्किश भी है, तंदूरी भी है, अल्लाह जाने क्या क्या है, बिरयानी भी। अब उधर बिरयानी, इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशान। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिलीशियस था, अति स्वादिष्ट व्यंजन, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। तवज्जो चाहूंगा, मैं सोच रहा हूं कौन सी ऐसी मिसाल दूं कि ये रजा का जो मफहूम है ये खेतों में काम करने वाले हमारे भाइयों को भी समझ में आ जाए, जिनके लिए उर्दू जबान भी जिन्नाती जबान लगती है उन्हें भी समझ में आ जाए। तो ये मिसाल एक मेरे जहन में आई, समझिए मुझे मजा नहीं आया। क्यों? खाना अच्छा था लेकिन मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या था मेरी? मुझे पसंद है सादा खाना, सादी रोटी हो, सादा चावल हो, सादी दाल हो, सादी सादी हरी हरी सब्जियां हो, अचार हो, घी हो, यानी खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है। अब मैं दस्तरखान पे गया तो मुचर्रब है, मुरगन है, जबरदस्त खाना। So I couldn't enjoy with the food because the food wasn't cooked according to my desire. मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। क्या समझे इस मिसाल से, इस दरबार से वाबस्ता सुन्नियों, क्या समझे कि बिला तशबीह जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। बात समझ में आ रही है ना? अब मेरी पसंद तो आप जान सकते हो, मैं भी इंसान, आप भी इंसान, मेरे पास आओ पूछो, मैं खटाखट बता दूंगा। आजकल ये लफ्ज खटाखट बड़ा मशहूर हो गया है, मैं खटाखट खटाखट बता दूंगा, ये बना दे, ये बना दे, ये बना दे। अल्लाह की पसंद हम कैसे जाने? तवज्जो देखिएगा, अल्लाह की पसंद कैसे जाने? हमारा अंत है वो अनंत है, हम सीमित हैं वो असीमित है, हमारा आकार है वो निराकार है, वो बनाने वाला हम बनने वाले, वो खिलाने वाला हम खाने वाले, वो पिलाने वाला हम पीने वाले, वो रब है हम मरबूब हैं, वो खालिक है हम मखलूक हैं, वो अदृश्य है और हमें लोग देखते हैं, वो असीमित है, निराकार है और हम जिस्मो जिस्मानियत वाले, वो अहद है, समद है, लम यलिद है, वलम यूलद है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। जब हमारा उससे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, हम उसकी पसंद कैसे? सवाल समझ में आया? और आसान कर दो, अल्लाह ताला ने हमें पंच इंद्रियां दी हैं, हवा से खमसा, 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए, ये रंग नीला है कि पीला है कि सफेद है कि काला है देखा तो पता चला, ये आवाज मर्द की है या औरत की सुना तो पता चला, ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सुगंध है कि दुर्गंध है सूंघा तो पता चला, ये माइक ठंडा है कि गर्म, मुलायम है कि कड़ा, छुआ तो पता चला, ऐसे ही ये बिरयानी लखनवी है कि हैदराबादी है कि मुरादाबादी है या बिल्कुल बर्बादी है, चखा तो पता चला, है ना? तो दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज।
ये पंच इंद्रियां हैं। एक चीज और है उकला, उससे बहस करते हैं अक्ल, मगर वो मदरसे में लोग 12 बजे दिन में नहीं समझते, आप 12 बजे रात में क्या समझेंगे, तो उसको मैं साइड में रख रहा हूं। बस इसी पे आइए, ये पंच इंद्रियां, ये हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज को पहचानते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। मुझे बताओ जामसर और कुर्बो जवार के, और इस खानकाह आलिया जमालिया बुखारिया से अपनी वाबस्तगी को जोड़ने वालों, मुझे बताओ जब हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी इच्छा कैसे जाने, उसकी पसंद कैसे जाने, उसकी लाइकिंग कैसे जाने। यही मसला मेरे मुरीद के सामने भी आया। दावत तो मेरी पसंद की देना चाहता था, लेकिन मुझसे कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, क्या करे, किसके पास जाए। पीर साहब के पास आया। पीर साहब ने कहा, हाँ हजरत को तो मैं जानता हूँ, लेकिन पसंद मुझे उनकी इतनी तफसील से नहीं मालूम, क्या खाते हैं क्या नहीं, भागता भागता क्या करें, किसके पास जाए। तो ये जो भी नातखा लोग पढ़ रहे थे ना, इनको पकड़ा कि आप तो सैकड़ों जलसा हजरत के साथ कर चुके हैं, शरीफ पालवी साहब, शरीफ बासनी साहब, आप बताइए नूरानी मियां को क्या पसंद है। इन्होंने खटाखट बता दिया कि देखो हजरत को खुश करना है तो ज्यादा महंगी दावत मत कर, 200 रुपए में काम चल जाएगा। सादी रोटी बना दे, सादी दाल बना दे, सादी सादी सब्जी बना दे, हजरत खुश हो जाएंगे। मैं उसके घर पहुंचा, अपने पसंद का खाना देखा, खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक है ना। ये पसंद किसने बताई? मैंने तो नहीं बताई, उसने बताई जो मेरे करीब है। कौन है? क्यों? क्योंकि जो करीब होता है वही हबीब होता है, और जो जितना करीब होता है वो उतना हबीब होता है। बिला तश्बीह मेहमान की पसंद उसने बताई जो मेहमान के करीब है, रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। चुनांचे अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो अपनी अपनी मर्जी से मत राजी करो, अपनी पूजा पद्धति के तौर से ना राजी करो, अपने धर्म का अनुसरण करके मत राजी करो, अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो अल्लाह राजी हो जाए, रोजा रखो अल्लाह को पसंद है, हज करो अल्लाह को पसंद है, जकात दो अल्लाह को पसंद है, नेकियां करो अल्लाह को पसंद, ऐसा काम मत करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है, शराब मत पियो अल्लाह को पसंद नहीं है, ज़िना मत करो अल्लाह को पसंद नहीं है, झूठ मत बोलो अल्लाह को पसंद नहीं है, गीबत मत करो अल्लाह को पसंद नहीं है, किसी का दिल ना दुखाओ अल्लाह को पसंद नहीं है, यतीम का माल मत खाओ अल्लाह को पसंद नहीं है, बेवा का दिल ना तोड़ो अल्लाह को पसंद नहीं है, माँ बाप का दिल ना तोड़ो अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह को राजी करना है तो बंदगी में जिंदगी गुजारो, अपनी मर्जी से नहीं, अल्लाह की मर्जी, उसकी पसंद देखो, वो करो जो उसे पसंद है। तो सरकार ने फरमाया नमाज पढ़ो। क्या फरमाया? जोर से बोलो, पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, इस उर्स से सरकार का यही तोहफा लेके जाना है कि इंशाल्लाह नमाज कायम करना। हुजूर ने फरमाया सल्लु, तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पर उलमा की, सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली। ये हदीस पढ़ते हैं, जरा इसको समझिए। हुजूर ये नहीं फरमा रहे हैं कि नमाज पढ़ो जैसा तुम पढ़ सकते हो, नहीं, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। कैच करो, इमाम आजम ने जिस तरह देखा वो बताया, इमाम शाफई ने जिस तरह देखा वो बताया, इमाम मालिक ने जिस तरह देखा वो बताया, अहमद इब्ने हंबल ने जैसा देखा वो बताया, जैसा मुझे पढ़ता हुआ देखते हो।
वैसे नमाज पढ़ो, यानी पिछली उम्मतों की कॉपी नहीं करना, वैसे ही पढ़ना है जिस तरह मुस्तफा पढ़ते हैं। गोया नबी फरमा रहे कि नियत वैसे करो जैसे मैं करता हूँ, रुकू वैसे करो जैसे मैं करता हूँ, सजदे में वैसे जाओ जैसे मैं जाता हूँ, ऐसे ही तशहुद में बैठो जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ, लब्बैक की सदा लगाओ जैसे मैं लगाता हूँ, तवाफे काबा करो जैसे मैं करता हूँ, सफा मरवा की सही करो जैसे मैं करता हूँ, मीना मुजदलफा अरफात में ठहरो जैसे मैं ठहरता हूँ, शैतानों को मारो जैसे मैं मारता हूँ। तुझे रोजा रखना है तो सिर्फ पिछली उम्मतों की तरह मत रख, बल्कि नियत कर जैसे मैं करता हूँ, जिक्र कर जैसे मैं करता हूँ, उसके बाद रोजा रख जैसे मैं रखता हूँ, मगरिब पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ, साथ में इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ, तरावी पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ, कुरान पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। गोया नबी बता रहे हैं कि मेरी सुन्नत पे चल, तवज्जो रहे, मेरी कॉपी कर, ओ बे माई सुन्नत, मेरी सुन्नत पे चल के तो देख, जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। तो अल्लाह को राजी करना है तो सुन्नत पाके मुस्तफा के जरिए राजी करो, टारगेट वही है, आए हैं उसी को राजी करने। राजी करने की पद्धति भी सबकी अलग अलग होती है। एक मिसाल मैं इस मौके पे, क्योंकि उलमा भी बैठे हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं इसे भी थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, ताकि और मफहूम समझ में आ जाए कि अल्लाह की रजा का राज क्या है। तवज्जो है आप लोगों की, देखिएगा। सादाते किराम का नूरानी काफिला है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं और सैयद इरफान शाह साहब, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे, मैं इस काबिल नहीं हूं लेकिन मिसाल दे रहा हूं, हम दोनों, तवज्जो है ना, सुन रहे हैं ना, मेरी कोशिश ये होती है ऐसी मिसाल दी जाए कि अगर कोई ये नियत करके आया है कि नहीं समझना है तो इंशाल्लाह वो भी समझ के उठे। मैं और सैयद साहब किबला साहिब सज्जादा, हम दोनों ज्यादा हकदार हैं कि हम दोनों को राजी किया जाए। तो ये बात बिल्कुल उर्दू ग्रामर के हिसाब से बिल्कुल सही है कि जब अधिकार दो का है तो राजी भी दो को करो। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हम दोनों ज्यादा हक रखते हैं कि एक को राजी किया जाए, तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि या अल्लाह ये कौन सी बात हो गई, अधिकार दो का, राजी एक को, एक को राजी करने से दूसरा राजी नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अरे मैं नात पढ़ रहा था, आप लोग नजर पेश कर रहे थे, तो वो नजर कहां जा रहा था, मेरे पास जा रहा था ना, बोलो ये हदिया कहां आ रहा था, बोलिए, तो मैं राजी होऊंगा ना, हजरत क्यों राजी होंगे। और अगर आप हाथ चूम करके हजरत को कुछ पेश करें तो हजरत राजी होंगे, मैं कैसे राजी होऊंगा। तो यार जिसको राजी किया जाता है राजी भी वही, बोलिए, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वही राजी होता है। ऐसा नहीं कि एक को राजी करो तो दूसरा राजी हो जाए, दूसरे को करो तो पहला राजी हो जाए, ऐसा उमूमन नहीं होता। मगर आओ कुरान का फैसला सुनो, अल्लाह पाक का इरशाद, अल्लाह व रसूलहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया जाए। अय्युरुदू हो है, उलमा की तवज्जो चाहूंगा, अय्युरुदू होमा नहीं है, ये नहीं कहा गया कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उन दोनों को राजी किया जाए, नहीं, फरमान ये है कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे, वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर, उसे राजी किया जाए। अब तुम ही बताओ किसे राजी किया जाए। तो फिर नहवियों ने फैसला सुना दिया कि जब जमीर एक हो, मर्जा दो हो, तो जो मर्जा जमीर के ज्यादा करीब है बस उसी को असल मान लो। मतलब साफ, अब समझ में आ गया कि
अल्लाह की तो हम पसंद जान ही नहीं सकते। पसंद बताया मुस्तफा ने, अब अल्लाह को राजी करना है तो रसूलुल्लाह का दामन थाम लो, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। जिससे मुस्तफा राजी उससे खुदा राजी, मतलब साफ है गोया इस आयत के जरिए रब ताला ये फरमा रहा है कि ये महबूब तेरी रजा ही मेरी रजा है, तेरी बात मेरी बात, जो तुम्हें राजी करे मुझे राजी करे। मैं मुहिब हूँ, तुम महबूब हो, मैं लवर हूँ, तुम बिलवड हो, मैं चाहने वाला हूँ, तुम मेरी चाहत हो। अब जो तेरा है वही मेरा है, जो मेरा है वो सब तेरा है, हम में कोई तेरा मेरा नहीं। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत अश्शा इमाम महमद रजाख मुहद्दिस बरेलवी ने डंके की चोट पे कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक सुभान, यानी महबूब और मोहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादाए हुजूर गाजीए मिल्लत। यही वो रजा है मेरे दोस्तों, जो मकामे रजा, ये बड़ा कीमती मकाम होता है। इसको समझने के लिए अगर 9-10 बजे मैं बोलता तो शायद ज्यादा मुनासिब होता, लेकिन अगर ये बात मैं खानकाह में नहीं बोलूंगा तो क्या खामखा में बोलूंगा? तो अगर समझ में आवे तो एक बार सुभान अल्लाह कहना, ना समझ में आवे तो दो बार कहना, ताकि कम से कम कहने का सवाब मिल जाए। याद रखना इस मकाम रजा को समझाने के लिए, क्योंकि जब तक ये मकाम रजा समझ में नहीं आएगा तुम्हें ये रजा वाले समझ में नहीं आएगा। बहुत पूरी तवज्जो के साथ, ये जो नफ्स है ना जो हमारे अंदर है, ये बड़ी अजीब चीज, ये तो आपने सुना है कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। सुना है ना? कितने लोगों ने सुना है जरा हाथ उठा के बताओ कि शैतान इंसान का क्या है? हाँ, खुला, ओपन एनिमी ऑफ ऑल मैनकाइंड। इन शैतान लिल इंसानी अदुबु मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन। एक किताब है, सरसरी तौर पे मैंने कभी देखा था, मनाकिबुल महबूबैन, जिसके अंदर हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसीफ रहमतुल्लाह अलैह के हालात और उनके मकूलात, आपने अपने मुरीदों में क्या क्या इरशाद फरमाया, वो भी उसको ख्वाजा नजमुद्दीन सुलेमानी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने पूरा नकल किया है, और ये तौसा शरीफ में छपी हुई है किताब। मैं हजरत ख्वाजा सुलेमान की नशिश्ती गुफ्तगू का एक हिस्सा आपके हवाले करने जा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो किस शान का तख्त सुलेमान पे बैठा हमारा पीर पठान था। तैयार है ना? बिल्कुल जिंदगी के साथ देखिए। तो शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, ये तो खुला हुआ है। कैसा है? एक और दुश्मन है जो शैतान से भी डेंजर है, मगर वो छुपा हुआ है, और उस छुपे दुश्मन को नफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नफ्स, डिजायर, वासना, लस्ट, जो चाहो कहो, वो नफ्स अंदर जो है। और एक बात बताऊं बड़ी दिलचस्प, कि शैतान और नफ्स ये दोनों एक दूसरे से बड़ी गहरी दोस्ती है, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। जहां शैतान की दाल नहीं गलती वहां नफ्स अपनी दाल गला देता है, इतना डेंजर है। आप सोचो ना, इबलीस को शैतान कैसे बहकाता, वो तो खुद सबका सरगना था। नफ्स ने बहकाया कि अना खैरुम मिनहु, मैं आदम से बेहतर। ये नफ्स इतनी डेंजर चीज है। तो दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं। मिसाल के तौर पे शैतान ने बहकाया, दिल में एक वसवसा डाला कि शराब पी लो। शैतान ने दिल में एक वसवसा डाला, शराब पी लो। तो नफ्स जानते क्या करता है? जो अंदर आपके है वो उस शराब पीने को मुदल्लल बना देता है कि शराब जरूर पीना, पीने से पेट अच्छा रहेगा, सिस्टम सही रहेगा, नींद अच्छी आएगी, ये रहेगा, इतनी दलील दे देगा कि ना पीने वाला भी पी ले। कभी अगर नफ्स ने बहकाया
तो शैतान उसे मुदल्लल कर देता है, यानी दोनों की संगत और जो कोऑर्डिनेशन है वो मिलके इंसान के साथ दुश्मनी करते हैं। अब आप कहोगे कि रमजान का चांद दिखते ही शैतान को जंजीर में जकड़ दिया जाता है, सुना है ना, शैतान को कैद कर दिया जाता है। हमें तो जब शैतान कैद हो जाता है रमजान में तो रोजा क्यों छोड़ते हो, झूठ क्यों बोलते हो, ये कौन बहका रहा है, ये वो नफ्स है जो तुम्हारे अंदर तवज्जो। तो ये ना समझो कि शैतान कैद में है तो कुछ नहीं होने वाला, अब शैतान का भी काम नफ्स को करना पड़ता है। मिर्जा गालिब साहब दिल्ली में अपने साथी शोरा के साथ बैठ करके रमजान के दिन 12 बजे दोपहर में आम खा रहे थे, कमरे में छुप के खा रहे थे। डाक साहब ने दरवाजा खटखटाया, अंदर गए, सबको आम खाते देखा तो कहा, अरे मिर्जा साहब क्या गजब है, रमजान के महीने में 12 बजे आप आम खा रहे हैं। अरे रमजान में तो शैतान भी कैद कर दिया जाता है। तो मिर्जा साहब बड़े जहीन थे, उनका वो जिस कमरे में शैतानों को कैद किया जाता है वो कमरा यही है। तो खैर, खाने वाले कोई ना कोई हीला ढूंढ लेते हैं। तो शैतान और नफ्स का ये कोऑर्डिनेशन, हजरत ख्वाजा सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीद सादिक से कह रहे हैं, ऐ फरजंद, इससे पहले कि शैतान तुझ पे गालिब आए तू नफ्स को अपना बंदा बना दे, शैतान तेरा बंदा बन जाएगा। बल्कि खुद मेरे मखदूम पाक ने एक मकाम पे फरमाया कि लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। ये सवाल सुन के लोग चौंक गए कि बंदे के बंदे हैं, हम तो बंदे अल्लाह के हैं और आप कह रहे हैं लोग मेरे बंदे के बंदे हैं। तो मखदूम पाक ने फरमाया लोग नफ्स के बंदे हैं और नफ्स मेरा बंदा। तो तवज्जो चाहूंगा, ये नफ्स जो शैतान के साथ मिलके आपको बहकाने की कोशिश करता है, जैसे शैतान ने बहकाया कि मोबाइल खोल और देखो, तो नफ्स अंदर क्या डालता है कि मोबाइल जब खोलोगे वीडियो देखोगे यूट्यूब से तुम्हें खबरें मिलेंगी जानकारी बढ़ेगी, ये नफ्स ने डाला। तो दोनों मिलके अपना काम कर, नफ्स की कुल 6 किस्में है, ये बयान करके मैं आगे बढ़ रहा हूं। 6 कितनी? 6 जो सबसे गंदा और घिनौना और गुनहगार नफ्स होता है उसे नफ्स अम्मारा कहते हैं। ये वो नफ्स है जो इंसान को बुराई की दावत देता है, ये वो नफ्स है जिसमें बुराई भली लगती है, यानी इंसान गुना भी करता है और गुना को गुना नहीं समझता और इसी के पीछे भागता रहता है। सूफियाए किराम फरमाते हैं कि ये नफ्स जो है अम्मारा, ये काफिरों का नफ्स है। किसका नफ्स है? अब अगर मुसलमान के अंदर ये नफ्स हो तो समझ जाओ उसका इस्लाम कितने डेंजर में। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होने लगता है, रब की बारगाह में माफी मांगने लगता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है, और ये करते करते उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से अम्मारा से तरक्की करके नफ्से लवामा बन जाता है। नफ्से लवामा की कैफियत ये है कि उसे गुनाह गुनाह लगते हैं लेकिन करके वो शर्मिंदा होता है, फिर तौबा करता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदे को अपने गुनाहों से नफरत होने लगे, उसकी रुसवाई हर जगह हसाई इतनी होती कि वो कंप्लीट तौबा कर लेता है, ए अल्लाह मैं तौबा करता हूं कि न मैं शराब पीऊंगा, न ज़िना करूंगा, न ऐसा करूंगा, न वैसा करूंगा। जब वो तौबा नसूह करके आगे बढ़ता है तो फिर उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से लवामा से आगे बढ़ के नफ्से नफ्से मुलहिमा बन जाता है, फअलहमहा फुजूरहा व तक्वाहा, और इसी नफ्से मुलहिमा को नफ्से मोमिना भी कहते हैं, यानी मोमिनीन का नफ्स। किसका नफ्स? कितने हो गए जोर से बोलो, 3। पहला काफिरों का नफ्स, दूसरा गुनहगारों का नफ्स, तीसरा मोमिनीन का नफ्स। उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा
बंदे को नेकियां भली लगने लगती हैं, नेकियों ही में अपनी जिंदगी गुजारता है रात दिन इबादत और इताअत में, और उसे इतनी इताअत, इतनी इबादत, इतनी बंदगी, इतना तकवा, इतनी परहेजगारी कि उसे दुनियादारी से चिढ़ होने लगती है। उसका नफ्स, उसका दिल इबादत इलाही में से मुतमईन हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। इसी संतुष्टि की वजह से उसका नफ्स तरक्की करके नफ्स मुलहिमा से आगे बढ़ के नफ्स मुतमईना बन जाता है, और फिर वो नफ्स बनता कि आवाज आती है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजिउ इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए नफ्स मुतमईन, अपने रब की बारगाह में राजी होते हुए, मर्जी होते हुए आ जा, अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जा। सुभान अल्लाह। फिर एक वक्त आता है कि बंदा इबादत न जन्नत के लिए करता है, न जन्नत पाने के लिए, न जहन्नम के डर से, वो अल्लाह को सिर्फ अल्लाह के लिए मानता है। वो अल्लाह की इबादत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अल्लाह से मोहब्बत है, वो अल्लाह की रजा के पीछे दौड़ रहा है, वो हर वो काम करता है जो अल्लाह को पसंद है, रज़ाए इलाही में अपनी जिंदगी को गुजार देता है। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते, बस एक ही चीज उसके दिमाग में चलती है, कुछ ऐसा करूं कि अल्लाह राजी हो जाए। वो हज भी करेगा तो इस नियत से कि अल्लाह राजी हो जाए, नमाज ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि रज़ाए मौला के लिए, काम ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि रज़ाए मौला के लिए, मुरीद भी ड्यूटी के लिए नहीं बल्कि रजाए मौला के लिए हासिल करता। वो बंदा उस मकाम पे पहुंच जाता कि मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते कि उस बंदे की जिंदगी रजाए मौला में ऐसा गुम हो जाती है कि उसे अपने पीर के जलवे में खुदा का जलवा लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस मकाम पे, इस मकाम पे आपके खलफा में, मैं नाम भूल रहा हूँ, पाकिस्तान में उनका मजार है हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा, फरमाते हैं कि जब मैं अपने मुर्शिद बरहक की खिदमत में रहा और ये तलकीन सुनता रहा, ये तलकीन सुनता रहा कि बस वही करो जिससे अल्लाह राजी हो, वही करो जिससे अल्लाह राजी हो, मैं करता रहा, करता रहा, करता रहा, तो मेरी कैफियत ऐसी हो गई कि मेरा इश्क मेरे रब से भी की तरफ भी बढ़ रहा है, मेरे पीर की तरफ भी बढ़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये वो मकाम होता है जहां बंदा तालिब होता है, तालिब होता है, रब की जात मतलूब होती है। फिर एक मौका और आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ। फिर एक मौका और आता है, माशाल्लाह, एक मौका और आता है जब बंदा मौला की रजा में, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, और जो कैच नहीं कर पा रहे हैं वो चुप रहेंगे ताकि मैं फिर दोहरा सकूं, लेकिन जो कैच कर रहे हैं वो बोलेंगे जरूर, ठीक है ना। बंदा फिर अल्लाह की रजा में जब सुबह शाम रातों दिन गुजारने लगता है, जब उसे अपने पीर के जलवे में मौला का जलवा नजर आने लगता है, जब वो न दिन के उजाले की खबर, न रात के अंधेरे की खबर, जमाले यार को अपने सामने रखकर हजरत जमालुल औलिया की जबान में ये कहता है कि मन के मंदिर में बिठाकर मैं तेरी पूजा करूं, तू मुझे देखे न देखे मैं तुझे देखा करूं, जब वो इस कैफियत में डूब जाता है तो फिर एक मौका ऐसा आता कि फिर उसका नफ्स नफ्से राजिया नहीं बल्कि नफ्से मर्जिया बन जाता है। अब वो तालिब नहीं मतलूब बन जाता है, वो मुहिब नहीं महबूब बन जाता है। यानी पहले तो पीर महबूब था, वो मुहिब था, पीर चाहत थी, वो चाहने वाला था, मगर फिर वो वक्त आया कि पीर चाहने वाला बन गया, मुरीद ही चाहत बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसकी एक मिसाल मैं आपको दूं कि हजरत पीर पठान सरकार सैयदना ख्वाजा गौसे जमान हजरत ख्वाजा सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बड़े बेटे और उनके जानशीन बरहक हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह,
और उनके पोते आप सब उनका नाम जानते होंगे, हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह। ये तीनों मकाम कुतुबियत पर फाइज थे। और ऐसा बहुत कम होता है कि बाबा भी कुतुब हो, दादा भी कुतुब हो, पोता भी कुतुब हो। ये पूरा खानवादा गौसिया कुतुबिया था। इसी किताब में मैंने पढ़ा मनाकिबुल महबूबैन के, अचानक जो है आपके पोते हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह एक मोहलिक बीमारी में मुब्तला हो गए। ऐसी बीमारी, तवज्जो चाहूंगा, ऐसी बीमारी कि जितने हुक्मा थे, जितने वैद थे, सबने इलाज करने से मना कर दिया। किसी के बस में नहीं था, क्या करें, नाउम्मीदी। हजरत ख्वाजा सुलेमान रजी अल्लाह तआला उस वक्त बकैदे हयात नहीं, आपका तख्त है और उनका पोता मौत और जिंदगी के बीच में है। हकीमों ने फैसला कर दिया इलाज नामुमकिन। अचानक हजरत ख्वाजा जो आपके साहबजादे थे गुल मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके मन में ख्याल आया। उसी वक्त हजरत सरकार ख्वाजा जमालुल औलिया हजरत सैयद जमाल शाह बुखारी अपने मुर्शिद के गांव तौसा में थे। पता नहीं किस मस्ती में थे, किस कैफियत में थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बाबा से, देखें हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद फरमाते हैं कि मैंने अपने बाबा यानी हजरत ख्वाजा गौसे जमान पीर पठान से रहमतुल्लाह अलैह से सुना कि मेरा ये मुरीद ये जमाल शाह जो है इसके अंदर अल्लाह ताला ने जज्बो सुलूक की एक खास मंजिल इसे अता की है, जब कभी जरूरत पड़े तो इससे कहना ये इनकार नहीं करेगा। पीर ज्यादा है हजरत नूर गुल मोहम्मद, पीर ज्यादा अपने बाबा के मुरीद की बारगाह ये मारूजा पेश करता है कि यह बाबा जमालियों अपनी किस्मत पे नाज करो, अपनी निस्बत पे नाज करो। पीर ज्यादा हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद फरमा रहे कि यह जमाल शाह वक्त आ गया है मैं आपसे कुछ अर्ज करूंगा। हुजूर आप तो मेरे पीर की निशानी हैं, आप तो मेरे मखदूम ज़ादे हैं, आका ज़ादे हैं, मैं क्या कर सकता हूं। कब मेरा बेटा अल्लाह बख्श बीमार है और बहुत मोहलिक बीमारी में मुब्तला है, सारे डॉक्टरों हकीमों तबीबों वैद्यों ने हाथ खींच लिया इलाज करने से। मैंने अपने बाबा के कान से सुना है, उनकी जबान से सुना है, अपने कान से सुना है कि तुम्हें अल्लाह ताला ने जज्बो सुलूक के असरार अता किए हैं, तुम सिर्फ सालिक नहीं जज्बी कैफियत वाले मजजूब भी हो। जरा सा आंख बंद करके मुराकबा करके इस्तिखारा तो करो कि मेरा बच्चा जिंदा रहेगा या मरेगा। एक वली अपने पीर के मुरी अपने बाबा के मुरी से कह रहा जरा इस्तिखारा। इतिहास गवाह है, ये किताब मनाकिबुल महबूबैन इसकी औराक गवाह है कि आपने फिर इशा के बाद इस्तिखारा किया और इस्तिखारा करके सो गए, ख्वाब देखा और उस ख्वाब की कैफियत को अपने पीरजादा हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद की बारगाह में पेश किया और कहा कि घबराइए नहीं, आपके बेटे अल्लाह बख्श को कुछ नहीं होने वाला। क्या देखा आपने? का मैंने यही देखा कि आपके बाबा का तख्त तख्ते सुलेमानी सजा हुआ था। एक नूरानी शक्ल वाले कोई आए और उन्होंने आपके बेटे अल्लाह बख्श को उठा करके उनके दादा ख्वाजा सुलेमान के तख्त पे बिठा दिया। ये सुनते ही हजरत ख्वाजा गुल मोहम्मद ने गले लगाया और ये मंजर देखकर हजरत ख्वाजा जमाल शाह रहमतुल्लाह अलैह रोने लगे। जब रोने की वजह आपने पूछी तो कहा इसकी ताबीर ये है कि अब हजरत ख्वाजा सुलेमान का अगला जानशीन आपका बेटा होगा, यानी आपका इंतकाल पहले हो जाएगा और आपका बेटा अल्लाह बख्श तख्ते सुलेमान पे विराजमान होगा उनका जानशीन बनके। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पीर ज़ादे की उम्र ज्यादा नहीं है। आप जरा सोचो, इस कैफियत को महसूस करो। ये रवायतें तो तुम सुनते आए हो कि पीर ने नजर भर के देखा तो मुरीद का काम हो गया, पीर ने अता किया तो मुरीद का काम हो गया,
पीर ने लब हिलाया तो मुरीद का काम हो गया। मगर जरा देख मुरीदों, जब मुरीद हजरत सैयद जमाल शाह जैसा हो तो पीर खाना भी रश करते हुए कहता है कि उस खानकाह का कौन बाल पीका करेगा। अरे जहां मुरीदों का आलम यह है कि मकाम रजा पर फायज होते वहां पीरों का आलम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैजाने हुजूर शाह जमालुल औलिया, फैजाने हुजूर शाह जमालुल औलिया, नाराए तकबीर नाराए रिसालत। ये है मकाम रजा मेरे दोस्तों। उन्हें पता है कि इस जमालुल औलिया ने, इस सैयद जमाल शाह बुखारी चिश्ती ने अपनी जिंदगी को, अपनी मर्जी को मौला की मर्जी में ऐसा फना कर दिया कि अब लब इसका हिलता है सब उधर हिलता है। तो पीरजादे ने इल्तिमास किया कि मेरा, मेरे बेटे को शफा मिल जाए। और तारीख गवाह है कि हजरत ख्वाजा अल्लाह बख्श ऐसा ठीक हो गए, ऐसा ठीक हो गए जैसे कोई मर्जी ही नहीं था। तो सोचो यार, तुम कितने खुश नसीब हो, तुम जिस पीर से जुड़े हो उसके फैजान का आलम यह है कि मुरीद तो मुरीद अपने पीर खाने पर भी तवज्जो कर दे तो फिर क्या से क्या हो जाता। ये बातें बुजुर्गों ने लिखी है, किताबों में पढ़ी जाती है। ये निस्बत पीर और मुरीद के दरमियान की, और जब इस निस्बत का इल्म पीर को हो जाता है तो फिर पीर जो है वो अपने उस मुरीद को अपनी जगह समझता है। वो भी वाकई आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर कि एक दिन हजरत पीर पठान ख्वाजा सुलेमान गौसे जमान रजी अल्लाह तआला हज के सफर पे निकले। इत्तेफाक इसमें भी ऐसा था कि हजरत सैयद जमाल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तौसा में थे, यह जामसर में नहीं थे। अब जाहिर है कि जब पीर हज के लिए निकल रहा है तो खानकाह किसके हवाले करे। याद रखो खानकाह है क्या है, जोर से बोलो। ये खामखा लोगों को नहीं दी जाती, खानकाह किसके हवाले की जाए। उस वक्त आपके अजिल्ले खुलफा वहां मौजूद, एक से बढ़कर एक ख्वाजा रुकनुद्दीन हो या ख्वाजा नजमुद्दीन हो या ख्वाजा गुल मोहम्मद हो या ख्वाजा अबुल मकारिम हो, एक से बढ़कर। मगर दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। हजरत जमालुल औलिया की निगाह कुल करोड़ों सलाम। हजरत मखदूम सरकार ख्वाजा पीर पठान ने किसी और को नहीं, अपने इस मुरीद सादिक का इंतखाब किया, अपने इस मुरीद खलीफा का इंतखाब किया और कहा कि मैं तो जा रहा हूं हज। और उस जमाने में ये 6 घंटे 8 घंटे का सफर नहीं होता, आना जाना मिला करके पूरा साल लगता था। इसीलिए उस सफर को आमुल हज कहते थे कि ये हज का साल है, इस साल मैंने हज किया, यानी पूरे साल हज का सफर किया। साल भर की बात थी। इतना कहा कि ए सैयद जमाल शाह, मैं अपना तोसा आपके हवाले कर रहा हूं, आप पर मुझे कामिल एतमाद, पूरा भरोसा आपके हवाले कर रहा हूं, कह दिया और चले गए। लेकिन अमानत कैसे उसकी पासदारी की जाए, जरा सीरत जमालुल औलिया में देखो। आप फरमाते हैं कि ये जुमला मेरे लिए इतना बावजन था, मुझे रात दिन ये खौफ खाए रहता था कि ये मेरे पीर की बस्ती, ये जामसर और बीकानेर होता तो मैं किसी भी तरह एडजस्ट कर लेता। ये तो दयारे यार है, ये तो दयारे यार है, अगर यहाँ एक चूटी भी ना हक मारी गई तो मैं मैदाने कयामत में अपने पीर के सामने शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसी पसो पेश में रात को भी जागते थे, दिन में भी जागते थे, पूरे तौसा की रखवाली भी करते थे और इस कोशिश में रहते थे किसी जरूरतमंद की कोई जरूरत ऐसी ना हो जो मैं पूरी ना कर सकूं। खानकाह में लंगर चलता था तो खुद अपने हाथ से बाट बाट के हजरत जमालुल औलिया खिलाते थे। मामला दयारे यार का था। कहां का था, जोर से बोलो, दयारे यार का था। अल्लाह की मर्जी देखो,
कज़ाए मुबरम देखो कि उसी बस्ती में एक शख्स का इंतकाल हो गया और इस अंदाज से हुआ। इंतकाल होना ये कोई गैर फितरी चीज नहीं, रोजाना लोग मरते हैं, लेकिन जब इंतकाल की खबर हजरत जमालुल औलिया ने सुनी तो दिल हिल गया। मन में ख्याल आया कि मेरे पीर ने कहा था जैसा मैं छोड़ के जा रहा हूं वैसा लौटाना, मैं तो वैसा ही लौटाने की कोशिश में लगा था। ये एक शख्स गुजर गया, अरे गुजरना था तो मुर्शिद के आने के बाद जाता, अल्लाह की मर्जी। मगर इस तसव्वुर से, इस ख्याल से कि मैं अपने पीर को क्या जवाब दूंगा, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मुनाजात करते रहे, इसी तगोदो में रहे, परेशान रहे, या अल्लाह कोई सबील निकाल दे। तारीख गवाह, तारीख सुलेमानिया पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि उसी जमालुल औलिया ने अपने मुर्शिद की भक्ति में डूबकर जो मकामे रजा के मनसब पे फायज था, जब आंखों से कौसर और सलसबील का धरना जारी किया तो इतना रोए कि रहमत खुदा को भी जोश आ गया, आवाज आई, ऐ सैयद जमाल शाह घबरा मत, जिस बंदे के रोने का तुझे इतना गम है मैं तेरे पीर के आने से पहले उसे जिंदा कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत 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 जिंदगी मिल गई। ये है शान, यही यही करामत। वली दिखाए तो करामत कहते हैं, नबी दिखाए तो मौजजा कहते हैं। ऐ जमालियों, तुम अपनी निस्बत और किस्मत पे नाज करो, तुम उस मुर्शिदे बरहक से वाबस्ता हो। अरे जो सिर्फ बीमारों को शफा नहीं बल्कि अगर आंसुओं की धारा बहा दे तो मुर्दे को जिंदगी भी मिल जाती है। सुभान सुभान सुभान। इसलिए तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं, ये बड़ा यूनिक मकाम है। आपने पढ़ा होगा तारीख में, अगर करामात आप पढ़ें बुजुर्गों की तो आप देखेंगे कि जहां दीन को जरूरत हुई वहीं करामत। वली के लिए करामत दिखाना जरूरी, हाँ ये एक इजाफी चीज है कि अल्लाह ताला ने उसकी जबान को सैफुल लिसान बना दिया, वो एक अलग है। वली वो है जो अल्लाह का दोस्त हो, अल्लाह का महबूब हो। मगर मकाम रजा ये एक ऐसा मकाम होता है जो औलिया में टॉप क्वालिटी का मकाम होता है, औलिया सिद्दीकीन का मकाम। इन्हीं में अगवास होते हैं, अक्ताब होते हैं, नौजबा होते हैं, नकबा होते हैं, रोजबा होते हैं, इन्हीं में मजाजीब होते हैं, सालिकीन इन्हीं में होते हैं। और आसान कर दूं, ये वो अल्लाह वाले हैं जिनको अल्लाह की तरफ से सरकारी पोर्टफोलियोज मिलता है कि तुम इस इलाके के कुतुब हो, तुम उस इलाके के गौस हो, वगैरह वगैरह। हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदा मकाम रजा पे फायज होता है तो उसे यह हुक्म दिया जाता है कि अब तुझे अपनी जिंदगी को सिर्फ अल्लाह की रजा में फना कर, यानी करामत जहां दीन को जरूरत हो वहीं दिखाना, करामत नहीं दिखाना। तो हजरत जुन्नून मिस्री इसकी तीन कैफियतों को बयान करते हैं, मैं एक कैफियत बयान करके बात को खत्म करूंगा। एक कैफियत, और वो क्या है, तरकुल इख्तियार बिमुर्रिल कजा, यानी जब कोई हादसा हो जाए, तवज्जो है ना, कोई घटना घट जाए तो उस घटना घटने से जो गम पैदा हो उस गम पर अपने पावर को न दिखाना, ये है मकाम रजा। क्या है मकाम रजा? इसकी एक मैं मिसाल दे दूं तो आप सब समझ जाएंगे। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सुना होगा, सिंधिया राजा सिंधिया जिनकी बारगाह में हाथ बांधे खड़ा रहता था, सिलसिले शुत्तारिया के पीर, बड़े अजीम गौस अपने वक्त के और मकाम रजा पे फायज। एक मर्तबा वो अपने परिवार सहित ग्वालियर से निकले तो राजा ने ख्वाहिश की कि बाबा आप जा तो रहे हैं लेकिन जहां तक मेरी रियासत की सीमा है वहां तक मेरे सिपाही आपके साथ रहेंगे। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर ने मना नहीं किया, ठीक है।
चल पड़े। जहां तक सीमा थी सारे सिपाही साथ में थे, सीमा समाप्त हुई सिपाहियों ने साथ छोड़ दिया। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर अपने परिवार सहित निकले, उनकी बीवी बच्चे भतीजे बहू सब उनके साथ थे। एक 9 साल की उनकी नवासी भी थी। कौन थी? 9 साल की नवासी भी थी और वो भी साथ में थी। सफर चल रहा था कि इसी दौरान डाकुओं ने चंबल के करीब में हमला कर दिया। और जब डाकू हमला करते हैं तो जानते क्यों करते हैं? जो कुछ मिला लूटने लगे, सारा सामान लूट लिया। मगर ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर क्योंकि मकाम रजा पे फाइज थे तो कोई करामत नहीं दिखा रहे। इसमें ऑर्डर होता है कि यू डोंट शो योर करामत अंटिल, जब तक के दीन की जरूरत ना हो। जहां करामत दिखाना जरूरी ना हो, जब तक ऐसी नौबत ना हो, यू कांट शो। करामत नहीं दिखा रहे, बिल्कुल इस्तेकामत दिखा रहे। सब कुछ लुट गया। हजरत गौस मोहम्मद ग्वालियर का कदम बिल्कुल साबित है। इसी दरमियान एक डाकू ने आगे बढ़ के आपकी 9 साला नवासी के कान में सोने की बाली जो थी उसे इस तरह नोचा कि कान से खून का धारा जारी हो गया। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी नुक्ता, खून का धारा जारी हो गया। और वो खून का धारा ऐसा था कि उस बच्ची का पूरा कपड़ा खून से लहू लुहान हो गया, चारों तरफ खून ही खून। अपनी नवासी के कान से बहता हुआ खून का धारा देखकर हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर का कदम इस्तेकामत लड़खड़ा गया, मकाम रजा लड़खड़ा गया। आपने मंगल गिरह को हुक्म दिया, किसे? जोर से बोलो, किसे? मिर्रीख को हुक्म दिया, ऐ मिर्रीख नीचे उतर, और जिन जालिमों ने ये हरकत की है सबकी गर्दन को कलम कर दे। 500 की तादाद में डाकू थे, सबकी गर्दनें उस मिर्रीख ने काट दी। करामत दिखा दिया। थोड़ी देर के बाद एक निदा आई, ऐ गौस मोहम्मद ये तूने क्या किया? ऐसी कौन सी जरूरत अन पड़ी थी करामत दिखाने के लिए? मामला फैमिली का था। अर्ज किया, है बारित इलाह, मैं मजबूर हो गया था, मेरी नवासी के कान से खून का धारा जारी हुआ, मैं इस कैफियत को हैंडल नहीं कर सका और मुझसे ये हो गया। मैंने करामत दिखा दी, अगर कोई गलती हो तो करीमा परवरदिगारा माफ फरमा। आवाज आई, तूने एक बच्ची के लिए 500 लोगों को मार दिया। ख्वाजा गौस मोहम्मद ने अर्ज किया, मौला ये सब तो जालिम थे, ये कुफार थे। अल्लाह ताला की तरफ से निदा आई, ऐ गौस मोहम्मद, काफिर थे लेकिन थे तो मेरे बंदे ना, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, जो मुझे मानते हैं मैं उन्हें भी खिलाता हूँ, जो नहीं मानते उन्हें भी खिलाता हूँ, मैं सबका मालिक हूँ, सबका रचयिता हूँ, तूने इतना बड़ा बदला ले लिया। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, इतना रोए इतना गिड़गिड़ाए कि अल्लाह के रहमो करम को की बारिश हुई और हजरत गौस मोहम्मद को फिर मकाम रजा पे फायज कर दिया। अब समझ में आया कि दश्ते करबला में हुसैन ने करामत क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं दिखाई? अब्बास के बाजू कट गए मगर हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। सकीना की प्यास की शिद्दत बढ़ गई लेकिन हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। कासिम की जवानी लुट गई मगर हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। अली अकबर का लाशा खून में नहा गया मगर हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। औनो मोहम्मद का बचपन छिन गया मगर हुसैन करामत नहीं दिखा रहे। ऐ आका हुसैन, आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? आपके बच्चे बगदाद में करामत दिखाएं, अजमेर में करामत दिखाएं, कलियर में करामत दिखाएं, जामसर में करामत दिखाएं, किचौचा मरहरा में आपके बच्चे करामत दिखाएं। आका आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? मेरा विजदान कहता कि अगर हुसैन अपनी जुल्फिकार को दश्ते करबला में गाड़ देते तो पूरा करबला समंदर बन जाता, मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अगर आका हुसैन
सिर्फ आसमान की तरफ देख लेते तो इतनी बारिश होती कि पूरे करबला में सैलाब आ जाता, मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अरे हुसैन तो हुसैन, अगर प्यारी सकीना अगर अपनी ओढ़नी को नहरे फुरात की तरफ उछाल देती तो खुदा की कसम पूरी पूरी नहरे फुरात कट के खेमे में आ जाती, मगर करामत नहीं दिखाई। हम ये पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि नन्हे 6 माह के अली असगर को किसी ने करबला की जमीन पे नहीं बिठाया। चाहे तुम सुन्नियों की रवायात पढ़ो, शियों की पढ़ो, यहां तक कि इनकी पढ़ो, किसी ने यह नहीं लिखा कि एक लम्हे के लिए भी अली असगर को किसी ने जमीन पे बिठाया। कभी वो बाबा की गोद में, कभी भाई सज्जाद की गोद में, कभी बहन सकीना की गोद में, कभी फूफी जैनब की गोद में, कभी शहरबानों की गोद में, उम्मे आला की गोद में, कभी अंसार अहले बैत की गोद में, कभी आवाने अहले बैत की गोद में, कभी कनीजाने अहले बैत की गोद में। और जब रात हो जाती थी तो एक कपड़ा बांध दिया जाता था, उस पे अली असगर को लेटाया जाता था, जमीन पर किसी ने नहीं बिठाया। क्यों? अल्लाह करे समझ में आए। क्यों? क्योंकि सबको पता था ये हुसैन के मकामे रजा का टेस्ट है। सबको पता था हुसैन के नफ्से मर्जिया का टेस्ट है। यहां करामत नहीं, इस्तिकामत दिखाना है। सबको पता था मसलहत, सब जानते थे, इसीलिए किसी ने नन्हे अली असगर को जमीन पे नहीं बिठाया। सब जानते थे कि अगर जमीन पे बिठा दिया और वहीं बैठे बैठे अगर सकीना से अल आतश की आवाज सुन ली और सूखे सूखे हुसैन के होठों को देखकर बेचैन हो गए, और इस बेचैनी में अगर अपने पांव की एड़ी को दस्ते करबला में रगड़ दिया तो इस्माइल का पोता है, कहीं दूसरा जमजम न जारी हो जाए, कहीं दूसरा जमजम न जारी हो जाए। हुसैन मकाम रजा पर है, और कभी करामत दिखाना जरूरी होता। जैसे इमाम हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे 13-14 बार कहो हुजूर ख्वाजे ख्वाजगा हिंदलवली अताए रसूल फरजंदे बतूल बागे नबूवत के फूल वाली हिंदोस्ता ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रजी अल्लाह तआला ने दिखाई। वहां भी करबला में भी पानी पे पहरा लगा था, अजमेर में भी अनासागर पे पानी का पहरा लगा था कि नहीं? वहां हुसैन ने इस्तिकामत दिखाई, यहां गरीब नवाज ने करामत दिखाई। एक सेकंड सब्र नहीं किया, फौरन हुक्म दिया अपने खादिम को, जाओ अना सागर से कह दो तुझे हसन संजरी ने बुलाया है। ऐ आका हुसैन, आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? तो आवाज आई, कहा सुन। दोनों की ड्यूटी अलग थी और उस ड्यूटी में छुपी हुई ब्यूटी अलग थी। हुसैन ने इस्तेकामत दिखाई, गरीब नवाज ने करामत दिखाई। क्यों? क्योंकि हुसैन करबला में इस्लाम फैलाने नहीं बचाने के लिए गए थे, और गरीब नवाज भारत में इस्लाम बचाने नहीं फैलाने के लिए आए थे। बचाने के लिए इस्तेकामत जरूरी है, फैलाने के लिए करामत जरूरी है। इतिहास गवाह है, जब जब जैसी जरूरत पड़ी, जब जरूरत पड़ी बचाने की, तो हजरत जमालुल औलिया ने भी मजर हुसैन बनकर के इस्तेकामत दिखाई, और जब जरूरत पड़ी फैलाने की तो गरीब नवाज की इरादत में शामिल होने का हक अदा करते हुए आपने करामत दिखाई। ये वो खानवादा कि जिसकी रगों में अगर मखदूम जलालुद्दीन जहानिया जहां गश्त कर दीने है तो हजरत गरीब नवाज ख्वाजे हिंदुस्तान की गुलामी का पट्टा भी, अगर सर पर मुकुट मखदूम हजरत ख्वाजा पीर पठान का है
तो जलवा जनाबे सैयदा फातिमा जहरा के खून का भी है, तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है। इसलिए इधर उधर भटकने से बेहतर है कि इस खानकाह से अपनी जबीने नियाज को वाबस्ता रखो, जोड़ के रखो, मजबूती से पकड़ के चलो, ताकि जब तुम कभी बीकानेर से हनुमानगढ़ तक कहीं भी जाओ तो तुम्हें देखने वाला यही कहे, जब जमाली ऐसा है तो जमाल कैसा होगा। सुभान अल्लाह। जब जलाली ऐसा है तो जलाल कैसा होगा, जब लाली ऐसा है तो लाल कैसा होगा, जब जब मुरीद ऐसा है तो इसका मुर्शिद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन जाने रात काफी हो गई, इस मजमून को मैं चाहता और थोड़ा सा। मकामे रजा ये कैसा उनवान है कि जितना बोलो रात ढलती रहती है, बात चलती रहती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फिर किसी मौके पे तफसील से इस मौजू पे, इस उनवान पे गुफ्तगू होगी। मौला करीम हम सब की अकीदतों को इस बारगाह से जोड़े रखे, और जितने भी हाजरीन इस महफिल में आए हैं अल्लाह ताला सबकी मुराद पूरी फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम तशरीफ रखें आप तमाम हजरात।